जी हमारा सारा सेटअप जो है ना आज बाहर है। ठीक है, 2-3 दिनों से तो धूप लगी नहीं। ठीक है, तो बारिश रही है तो आज जो है ना धूप लगी है बड़ी मजे की। तो मैंने सबको ना जो है ना बाहर निकाल दिया। ये देखे, ये सील। ठीक है, वो मुर्गा मुर्गी बंद किए हुए हैं। ये जो है ना मारते हैं, ये वाले जो है ना इनको भी मारते हैं, तो फिर इन चूजों को भी मारते हैं, और जो भी परिंदा खुला होता है उसको मारते हैं, खरगोशों को भी मारते हैं। तो मैंने इनको बंद रखा है। तो ऊपर वाले जो चूजे हैं इनको कवर से हटाया हुआ है। आज मैंने कहा आज हटे रहे, तो इसको पता नहीं क्या मिल रहा है, ऊपर जा रही छलांग लगाने की कह रही है। बस तबीयत मेरी भी खराब है। इंदर सारे बाहर निकाले हुए थे, तो ऊपर ईगले ऐसे इकट्ठी हो गई है। तो मैं जो है ना अंदर उठा के लेके जाने लगा। मैंने कहा कोई हमला ही ना कर दे। तो देखे कैसे इकट्ठी हो रही है, आहिस्ता 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 आती जा रही है दूर दूर से। ठीक है, तो उससे पहले जो है ना हम इसको उठा के ले जाते हैं अंदर। ये मैं डफ को लेके जा रहा हूँ, फिर अपने वजीज को अंदर लेके जाऊंगा। मैंने फिर एक अंडा पकड़ा हुआ है, तो बच्चा नीचे आया है, ये खड़ा है इधर। ठीक है, तो ये कह रहा है अंडा टूटता नहीं। ये देखें अबे अलर्ट नहीं टूटता पिया, नहीं मैं क्यों कैश तू। ये देखो टूट ही नहीं रहा यार, देख लो मेरी मुर्गी पक्के अंडे देती है, कच्चे अंडे नहीं देती। अच्छा कैश नहीं देता मैं। ये देख लो किसका और यार किधर प्लास्टिक है, देखो हाँ नजर आ रहा है कहीं से प्लास्टिक का, बताओ किधर से है। और नीचे गिरा टूट जाएगा, नहीं नीचे गिर के टूट जाएगा यार, टूट जाएगा ना गाइस। ये देखे यार नीचे गिर के टूट जाएगा। नहीं जी बच्चा मार नहीं रहा, वो कह रहा नीचे गिरा, नीचे तो गिरा रहे टूट जाना ना। तो नीचे गिरा तो टूट जा ले यार। चल मेरी मुर्गियां कच्चे अंडे नहीं देती, पक्के अंडे देती है। मेरी मुर्गियां पक्के अंडे देती है। अंडा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यार देखो यार अंडा नहीं टूट रहा, किधर से प्लास्टिक है, देखो हाँ किधर से प्लास्टिक है, बताओ किधर से प्लास्टिक है। यार नीचे नहीं फेंकते यार। दो बच्चे हो गए, ये देखो ये देखो मैं नीचे फेंकने लगा, प्रैंक हो गया। ऊपर ब्लैक कलर की चिड़िया बैठी हुई है, इतनी प्यारी आवाज से बोल रही थी आगे, तो मैं देखना शुरू हो गया ये आवाज आ किधर से रही है। तो वो ऊपर बैठी हुई है माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी आवाज से बोल रही है। ब्लैक चिड़िया, ये ब्लैक वाली चिड़िया जो है ना वो है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के करम और फजल के साथ शुक्र के साथ आज का भी ला करते हैं हम शुरू। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो यार दोस्तों जैसा कि आपने देखा प्रैंक देखा जो भी देखा आप सबने, बड़ा मजा इंजॉय मैंने भी किया अभी बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना दाना लेके आने वाला है अपने बर्ड्स का, तो चलते हैं अभी जी दाना लेने के लिए। तो मैंने असील को तो पहले से ही दाना डाल दिया था, तो ये वाले असील जो है ना इधर दाना जो घिरा हुआ है ना इनको ये खिला रहा था, तो हमारी बतखें भी ये दाना बड़े शौक से खा रही हैं। तो काफ़ी सारा दाना था अंदर से निकला, जो भी निकला गंद कचरा वगैरह इधर मैंने फेंका। मैंने कहा चुग के खाने की इनकी आदत होती है, तो चुगने देते इनको, तो ये खाए इधर। ठीक है, तो बकाया इनके केज की सफाई करनी है ऊपर वालों की, नीचे वालों की तो नहीं अभी करूँगा, ऊपर वालों की जो है ना सफाई कर दूंगा अंदर से। कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यही ना हो इसकी वजह से भी बीमार होते हो हमारे बर्ड्स। तो इससे पहले जो है ना हम सफाई कर लेंगे, और पहले तो चलते हैं इनका दाना वगैरह लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि दाना जो है ना ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो मेरी आवाज़ भी जो है ना बस आपको पता लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब है। तो अभी मैं वीडियो शूट एडिटिंग करने लगा था, तो शूट भी करते करते मैं कहा था यार तबीयत ख़राब है कैसे शूट करूँगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं।
दोस्तों का रिव्यू तो लेना चाहिए ना, तो बताना भी चाहिए अपने सेटअप के बारे में। तो अभी जो है ना मैं चलता हूँ जी मार्केट, मार्केट से जो है ना लेके आते हैं इनका चारा दाना वगैरह। तो अभी चलते हैं जी मार्केट, इधर से दाना लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं इधर, ठीक है। तो अभी दाना लेते हैं, तो बंदा कोई भी नहीं है इधर। तो ये जी रात और पोगा जो है ना दाना है इनके, मूँगफली वगैरह भी बीच में चेक करें। का लहदा लहदा से दाना है ये वाला जो है मुर्गियों की अंडों वाली फीड के साथ मिक्स दाना है, ये ऑस्ट्रेलियन पैरिट का दाना है। उसके बाद ये जी दाना ये कबूतरों का, ये हमारे असील मुर्गा और मुर्गी और चूज़ों का, ठीक है। ये हमारे बाहर जो मुर्गी हैं उनका, ठीक है। लहदा लहदा से दाने हैं इनका, केश साफ वगैरह कर दिया मैंने अच्छी तरह, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरा मूड है कि रेत जो है ना थोड़ी सी फेंकी जाए, तो वो कल फेंकेंगे क्योंकि आज जो है ना सफाई हुई है, तो ये एक जगह पे बैठ जाएंगे इजीली। तो इसके अंदर जो क्रेटे वगैरह ना वो लगा देंगे। ये देखें ये वाली मुर्गी सुस्त है, ये देखें ये वाली मुर्गी सुस्त है, एक वो पीछे है। आज इनको धूप में रखा हुआ था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भी सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नीचे वाले केज की अभी सफाई नहीं की, नीचे वाले को दाना वगैरह डाल दिए बस, तो ऊपर वाले केज की सफाई वगैरह करके ना अल्हम्दुलिल्लाह रख दी है। तो बस इतना काम था ये वाला, अब इनको दाना डालते हैं, पानी डालते हैं और इनको सेफली करते हैं। सारे बर्ड्स जो है ना ऐसे बंद करने पड़ते हैं मुझे, तो आगे से इंशाल्लाह इनके अंदर जो है ना बल्ब वगैरह भी लगा देंगे इधर से, क्योंकि इधर साथ ही सॉकेट है, तो इधर से तार निकालेंगे तो इधर लगा देंगे। बल्ब के साथ इनको हीट भी मिलती रहेगी, तो एक बल्ब जो है ना इधर लगा देंगे हम इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ जो है ना कवर भी रहेंगे ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह, तो ये भी काम कर देंगे हम बकाया माशाल्लाह से। हेल्दी सेहत ठीक है इनकी, तो देख रहे हैं अब माशाल्लाह, ठीक है। तो आप सबके सामने ये इनको कवर करने का तरीका, बाहर सबको कवर किया हुआ मैंने, ठीक है। सर्दी जो है ना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मुझे कवरी जो है ना करनी पड़ती है, तो तबीयत मेरी भी आपको ख़राब ही लग रही है, वीडियो में भी आपको पता है मेरी आवाज़ कैसी है। तो खैर अभी इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।